ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ फिर वही ढाक के तीन बार सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के अड़ियल रुख की वजह से किसानों और सरकार की बातचीत 2.5 घंटे भी नहीं चली। किसान कृषि कानूनों को हटाने की मांग पर अड़े थे तो सरकार उन्हें लागू करने पर अड़ी थी। नतीजा फिर मैच टाई हो गया। मीटिंग में कोई नहीं निकला, मीटिंग बेसट्टा जी। सरकार ने कह दिया कि अपने मंत्री ने कह दिया, खेतीबाड़ी मंत्री ने, कि कोई भी जड़ा वा वो कानून वापस नहीं होंगे क्योंकि देश के लोग कानून को साथ हैं, साथ में है, कानून को अच्छा बोल रहे हैं, कानून वापस नहीं होंगे। असी क्या ही कानून वापस कराएंगे, गल और डडलाक जारी है। क्या आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं। सरकार ने क्या कहा? सरकार तो कहती है भी रिपील नहीं होती। अच्छा, रिपील नहीं होता तो फिर बुलाया क्या? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि रिपील कराएंगे, अगर ये रिपील नहीं होंगे तो फिर हमको बताते ब्लॉक। किसानों ने आज सरकार से दो टूक में पूछ लिया कि आप मामले का हल निकालना चाहते हैं या नहीं, अगर नहीं तो हमें लिख कर दे दीजिए। किसानों ने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार बोला ये नाम करो, दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया, ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। निपिल को बोला तब ठीक है तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है। सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या, गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं, कानून किसान विरोधी है। किसान संगठनों ने आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता के बयानों पर एतराज जताया, साथ ही सरकार को जिद छोड़ने की नसीहत भी दी। मीटिंग में सरकार के पक्ष से कहा गया कि जब ऐसा ही गतिरोध बना रहेगा तो बेहतर है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही, और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सरकार ने बैठक के दौरान किसानों को ऑफर दिया कि अगर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा उनके पास कोई ऑफर है तो उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि अगली बातचीत में इस मामले का हल जरूर निकलेगा। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत के 8 दौर में सिर्फ 6ठे दौर में कुछ नतीजा आया था, जिसमें सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली थी। उसके बाद से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। अब किसानों के साथ सरकार की अगली बातचीत 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। सवाल ये है कि क्या उस बातचीत में समाधान निकलेगा या फिर किसानों को मिलेगी एक और तारीख। सबसे कम देर तक बैठक चली क्योंकि सरकार ने आते ही साफ कर दिया था कि हमको पूरे देश का सोचना है, कुछ लोगों का नहीं सोचना है, क्योंकि बाकी जगह पर लोग चाहते हैं ये कानून रहे और इस कानून का फायदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों पर आप चर्चा करें। किसानों को साफ तौर से अपील की, लेकिन किसानों ने आज बैठक में मौन व्रत भी धारण किया और उन्होंने आज लंगर भी नहीं खाया। किसानों ने मीटिंग में सरकार के सामने नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश की कि अगर इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं अगर आप कानूनों को वापस नहीं लेंगे। अब अगली बैठक 15 जनवरी को बुलाई गई है। सरकार ने फिर कहा है कि हम चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो और किसान इस बिल पर चर्चा करें। कैमरामैन अशोक बैनोड के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।